चमोली में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान -4 तक अब जा पहुंचा है और जिसकी वजह से झरना तक भी वहां पर जम चुका है। मकान की छतों पर बर्फ की चादर नजर आ रही है। हाड कपा देने वाली ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी यहां पर ले रहे हैं। मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 1 से 2 दिन तक पारा और भी ज्यादा यहाँ पर गिरेगा, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। जो लोगों के घर की छत है वहां पर बर्फ ही बर्फ अब नजर आ रही है। -4 डिग्री ये टेम्परेचर अब यहाँ पर जा पहुंचा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसकी वजह से झरना भी अब जम चुका है। और देखिए सर्दी से बचने के लिए महाराष्ट्र में रिलीज होने जा रही पाकिस्तान की फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट के खिलाफ राज ठाकरे की पार्टी MNS ने मोर्चा खोल दिया। MNS ने कई सिनेमाघरों को फिल्म रिलीज न करने की धमकी दी और ये चेतावनी दी कि अगर उन्होंने पाकिस्तान में बनी इस फिल्म को महाराष्ट्र में रिलीज किया तो अंजाम बुरा होगा। द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान की सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है, जिसे भारतीय सिनेमाघरों में 30 दिसंबर को रिलीज किया जाना है। हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की सुविधा के लिए रेस्टोरेंट ढाबे 24 घंटे खुल सकेंगे। सरकार ने सैलानियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए ड्रोन से निगरानी करने का भी फैसला लिया और हिमाचल सरकार ने फैसले में 2 जनवरी तक राज्य में रेस्टोरेंट ढाबों और चाय की दुकानों को 24 घंटे तक खोलने की इजाजत दी। ट्रैफिक नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने ड्रोन भी तैनात किए। ट्रैफिक को जो है ड्रोन की मदद से चेक कर रहे हैं। हिमाचल सरकार ने ट्रैफिक से लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मनाली और शिमला में करीब 200 जवानों की अलग अलग टीमें बनाकर भी तैनात की। गुल बहादुर समूह और इस्लामिक स्टेट खुरासान जैसे आतंकी संगठन भी एक्टिव हैं और पिछले साल इन आतंकी संगठनों ने वहां 165 से ज्यादा हमले किए थे और इन हमलों में 115 हमले अकेले TTP ने अंजाम दिए थे। मतलब ये कि आतंकियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग में झुलस रहा है। पिछले महीने 28 नवंबर को TTP ने पाकिस्तानी सेना के साथ सीज फायर खत्म कर दिया था और पूरे पाकिस्तान में हमले तेज करने की धमकी तक दी थी। इसके बाद से ही पाकिस्तानी सैनिकों को खैबर पख्तूनख्वा में लगातार आतंकी हमलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी महीने की 18 तारीख को TTP के आतंकियों ने बन्नू सैन्य छावनी को अपने कब्जे में लेकर 9 सैनिकों को बंधक बना लिया था। बाद में उन्हें छुड़ाने के लिए पाकिस्तान को सैन्य अभियान तक चलाना पड़ा। इसी तरह 20 दिसंबर को TTP ने दक्षिण वजीरिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया था और वहां से आतंकी हथियार लूटकर फरार हो गए थे। और इन आतंकी घटनाओं को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान की निगाह टेढ़ी हो चुकी है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के ढीले रवैये की वजह से इस प्रांत पर आतंकियों का कब्जा हो सकता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी पाकिस्तान की सेना पर भारी पड़ रहे हैं। असल में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही कई आतंकी संगठन पाकिस्तान में आतंकी अभियान चलाने में जुटे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि वो लामबंद होकर पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, इसी वजह से TTP अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। और इसी कड़ी में उसने कुछ रोज पहले बलूचिस्तान में एक्टिव मकरान गिरोह से हाथ मिला लिया। खबर है कि TTP और मकरान गिरोह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े हमले की ताक में है और ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़नी तय हैं।